रमजान मुबारक आ गया, रब की अता रब का करम, रोशन हुआ दर नूर का, छट जाएंगे दुनिया के गम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नचमो कमर है आज से हुक्म में सहर है।
बारिश नजम व कमर है, आज से हुक्म सहर है, रात को रात ना कहना। तलाल बदर अलैना, तलाल बदर अलैना, तलाल बदर अलैना, तलाल बदर अलैना। आए सरकार मदीना, लाए अनवार मदीना। हाशमियों मुत्तलबी है फखरे उम्मीयों अभी है, हाशमियों मुत्तलबी है फखरे उम्मीयों अभी है। आप ही हक के नबी हैं, दाफ़े तीरा शबी हैं, आप ही हक के नबी हैं, दाफ़े तीरा शबी हैं। मुश्त हो नाए बशर को अब तमन्नाए सहर को, मुश्त हो नाए बशर को अब तमन्नाए सहर को, कुश्ते शब नहीं रहना। तलाल बदर अलैना, तलाल बदर अलैना, तलाल बदर अलैना, तलाल बदर अलैना। आए सरकार मदीना, लाए अनवार मदीना। आए सरकार मदीना, लाए अनवार मदीना। दिल ने पाई है मुरादे, उनकी राहों को सजा। कदम बो से रिसालत गुलो गुलजारे मदीना, है कदम बो से रिसालत गुलो गुलजारे मदीना। कुंदनी रंग है गहरा है लिबास आज सुनहरा, कुंदनी रंग है गहरा है लिबास आज सुनहरा, चांदनी रात ने पहना। तलाल बदर अलैना, सरकार मदीना, लाए अनवार मदीना। आए सरकार मदीना, लाए अनवार मदीना। अस्सलामु अलैकुम, रमज़ान मुबारक में आप सबको खुश आमदीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 रमज़ान है। 20 रमज़ान आज से 1400 साल पहले 20 रमज़ान को तारीख़ इस्लाम के आसमान पर अज़ीमुश्शान फ़तह मक्का चाँद बनकर चमकी और रहती दुनिया तक चमकती रहेगी। आज के दिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को फ़तह मक्का तोहफ़े के तौर पर इनायत फरमाई। फ़तह मक्का से ठीक 8 साल पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम कुफ़ार मक्का की जुल्म और ज़्यादतियाँ सहते रहे,
और फिर कुफारे मक्का ने उन्हें मजबूर किया मक्का से हिजरत करने पर, तो वो बड़े रंजीदा थे, बहुत गमजदा थे, क्योंकि वो अपने उस शहर को छोड़कर जा रहे थे जहाँ उनके प्यारे रब, जिसके वो महबूब थे, उनका घर बैतुल्ला शरीफ था, जहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जब वो हिजरत फरमाने के लिए रवाना हुए तो उन्होंने बैतुल्ला शरीफ की तरफ देखा और कहा, ए मक्का, खुदा की कसम, तू मेरी निगाह मोहब्बत में तमाम दुनिया के शहरों से ज़्यादा प्यारा है। अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से ना निकालती तो मैं तुझे छोड़कर कभी ना जाता। किस दिल से वो उस बैतुल्ला शरीफ से गए जिसे वो देख के जीते थे, जहाँ वो इबादत किया करते थे, जो उनके प्यारे रब का घर था। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से हिजरत करके ये बता दिया कि अल्लाह पाक की राह में कुछ भी कुर्बान करने से गुरेज ना करो, हर उस चीज़ की कुर्बानी दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी है। और फिर वो वहाँ से हिजरत कर गए। बेशक ये बहुत तकलीफ़ दे अमल था। और फिर 8 साल बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बड़ी ही शान और शौकत से मक्का फतह करते हुए अंदर दाखिल हुए। मगर इस शान और शौकत में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर आजिज़ी से झुका हुआ था, ना कोई गुरूर ना कोई तकब्बुर। ये थे हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफारे मक्का, जिन्होंने उनके साथ असहाबा कराम के साथ ज़्यादतियाँ की, उनके दिल में खौफ था, वो डरे हुए थे कि अब न जाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी उनके साथ की गई जुल्म और ज़्यादतियों का किस तरह से बदला लेंगे, न जाने हमारे साथ क्या होगा, न जाने हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। और इसी डरो खौफ पे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, आज तुम सब के लिए आम मुआफ़ी, जाओ, मैंने तुम सबको माफ़ किया। अफू और दरगुजर की ये मिसाल जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और इस माफ़ी के बाद, इस आम मुआफ़ी के बाद, वो कुफारे मक्का जिन्होंने चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा मगर इस्लाम कबूल नहीं किया, वो कुफारे मक्का जिन्होंने पत्थरों को बोलते हुए देखा मगर इस्लाम नहीं लाए, जिन्होंने गज़वाए बदर में फरिश्तों को लड़ते देखा मगर इस्लाम नहीं लाए, जिन्होंने गज़वाए खंदक में शिकस्त खाई मगर इस्लाम नहीं लाए, हमारे प्यारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन की आम माफ़ी को देखकर जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए, तौहीद का कलमा पढ़ते हुए आगे बढ़े और बेशुमार कुफारे मक्का मुसलमान हुए। ये थी हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफ़ी और अफ़ूद दरगुजर की मिसाल जो कि दुनिया में कहीं नहीं मिलती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज कुरैश के लिए इज़्ज़त का दिन है, जो कि फ़तेह मक्का का दिन था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की वो चाबियाँ जो कि उस्मान बिन तलहा ने उनको देने से इनकार कर दिया था, 8 साल बाद जब उनके सामने आए और वो चाबियाँ लेने का वक्त आया तो उस्मान बिन तलहा बहुत डरे हुए थे, नबी पाक से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे चाबियाँ ली और वापस उन्हीं के हाथ में थमा दी। सुभान अल्लाह। ये थे हमारे रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से मक्का फतह किया कि दुनिया दंग रह गई और रहती दुनिया तक उनकी ये मिसाल कायम रहेगी। तो आज से 1400 साल पहले फतेह मक्का बड़े शान से चमकी और मक्का मुकरमा में इस्लाम का परचम लहराया। आज 20 रमज़ान मुबारक हमारे लिए फ़ख्र का दिन है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को
आज की दुनिया में भी ऐसी ही फतह नसीब फरमाए। काश कि हम मुसलमानों के जुल्म और ज़्यादती के दिन ख़त्म हो और तमाम मुसलमान एक होकर फतह हासिल करें कुफार पे, जो कि आज के दौर में नामुमकिन नज़र आता है, लेकिन अल्लाह पाक हर नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। तो आइए मिलके दुआ करें कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को फतह अता फरमाए, उन ज़ालिमों से निजात दिलाए जो आज मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, उन कुफार से निजात दिलाए जो आज मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। अल्लाह पाक हमें फतह नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो आज 20 रमज़ानुल मुबारक को अशरा मग़फ़िरत का अख्तिताम होगा और अशरा निजात जो है वो शुरू होगा। अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमें निजात अता फरमाए। और आज के दिन मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद दूंगी जो कि एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं, दुनियादारी को छोड़कर, दुनिया से कतअ ताल्लुक़ करके अल्लाह पाक की इबादत के लिए, उसकी हम्द व सना के लिए दुनियादारी को ख़त्म करके जो लोग आज एतिकाफ़ में बैठेंगे उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक उनकी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। और मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक इस अशरा मग़फ़िरत और अशरा निजात में हम लोगों की मग़फ़िरत और निजात अता फरमाए, हमें दोज़ख़ की आग से निजात दे, कब्र के अज़ाब से निजात दे और उन तमाम गुनाहों की माफ़ी हमें दे जो कि हम करते रहे हैं। अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचाए, आमीन सुम आमीन। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। जी नाज़रीन, हमारे साथ आज फिर हमारे मौजूद भाई मौजूद हैं और आज जैसे कि 20 रमज़ान है और रमज़ान ऐसे गुजर गया पलक झपकते हुए, इतना चर्चा था रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, लॉकडाउन में क्या करेंगे, कैसे होगा, अल्लाह पाक ने सब कुछ करा दिया, अफ्तारियाँ भी हो गई, सहरिया भी हो गई, इबादतें भी हो गई, लोगों की दिलजोई भी हो गई, लोगों की इमदाद भी हो गई, सब कुछ वैसे का वैसे ही रहा जैसा कि हर साल रमज़ान में होता है। हाँ, कुछ लोगों को थोड़ी सी परेशानियाँ थी कि उस तरह से वो सहरियों की दावतें और अफ्तारियों की दावतें नहीं उड़ा सके जिस तरह से वो उड़ाया करते थे, और शॉपिंग उस तरह से नहीं कर सके जिस तरह से किया करते थे और रातों को उजागर करते थे, लेकिन इबादत तो उसी तरह हुई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने की हैं, घर में की, बाहर की, और उसी तरह इस रमज़ान को गुजारा जिस तरह के उसको गुजारने का हक था। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम उस रमज़ान की इबादतों को उस तरह से करें जैसे कि करने का हक है, और अल्लाह पाक हमें इस रमज़ान का जो अजर सवाब है वो अपनी अपने रहमतों के ज़रिए, अपनी बरकतों के ज़रिए हमें पहुँचाए, आमीन सुम आमीन। और आज जैसा कि 20वां रोज़ा है, अशरा निजात शुरू होने वाला है और शबे ताक शबें जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। आज जितने भी लोग हैं जो कि एतिकाफ़ में बैठते हैं वो बैठेंगे और मैं भी इंशाल्लाह अल्लाह की रज़ा से एतिकाफ़ में बैठूंगी। और आज हम बात करेंगे फ़तह मक्का की, क्योंकि आज का दिन फ़तह मक्का से मंसूब है, 20 रमज़ानुल मुबारक। तो आइए पूछते हैं कि ये शानदार फ़तह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया लोगों के साथ कैसा था, किस तरह आम माफ़ी दी गई, किस तरह लोग जोग दर जोग इस्लाम में शामिल हुए। तो आइए बात करते हैं फ़तह मक्का के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़तह मक्का के बारे में, फ़तह मक्का से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी ज़्यादती की गई, किस तरह उन्हें मक्का से जो है हिजरत करनी पड़ी, वो हम सब जानते हैं। ऐसी जगह जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब और अल्लाह का घर, उन्हें किस तरह से छोड़ना पड़ा और फिर किस दिल से वो छोड़कर जा रहे थे और क्या कहते हुए वो जा रहे थे, और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने किस तरह रहम फरमाया और किस तरह आम माफ़ी का ऐलान किया। तो ये मिसाल तो दुनिया में कभी ना थी ना है और ना होगी। क्या कहते हैं आप इस दिन के बारे में? नहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह सुभानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना हुज़ूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीने से निकल रहे हैं और आखिर तक सहाबा को नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ जा रहे हैं,
और आपने खामोशी से सफ़र का आगाज़ किया, सारे सहाबा मौजूद हैं, तकरीबन 10,000 के करीब सहाबा हुजूर के साथ चल रहे हैं, और आप ऐसे रास्ते से निकले कि जो रास्ता मारूफ नहीं था। जब आप मक्के से करीब पहुँचे तो आपने रात में तमाम लोगों को सहाबा को कहा कि हर बंदा लकड़ी जलाएगा। तो जब 10,000 सहाबा फैल गए और उन्होंने रात तक खाना खुद तैयार किया तो मक्का वाले हैरान थे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह किस लश्कर को लेकर आए, इनसे हम जीत नहीं सकते। अबू सुफियान जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था वो आए, उनको नज़रबंद कर लिया गया और बिठा दिया गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्के के अंदर इंटर हो रहे हैं, ये लश्कर देखें मक्का से बीच सेंटर में, नबी इस्लाम ने इस तरह लश्कर कशी फरमाई, यहाँ से एक सहाबा की पूरी जमात का लश्कर आ रहा है, एक लश्कर यहाँ से आ रहा है, एक लश्कर यहाँ से आ रहा है और एक लश्कर यहाँ, और नबी इस्लाम हाँ चारों तरफ से, और नबी इस्लाम इस तरफ से आ रहे हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली शेर खुदा, उसैद बिन हदीर, अब्दुलरहमान बिन औफ, बिलाल हबशी। अब अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान मक्के के अंदर इंटर हो, सारे क्या शान होगी, सारे लोग जो है ना वो देख रहे हैं कि आज क्या होने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुका हुआ, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह नसर अब्दहु, ला इलाहा इल्लल्लाह नसर अब्दहु, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के जिसने अपने बंदे को फतह अता फरमाई। और नबी इस्लाम का जो सर है, इस ज़माने में फातिह जब दाखिल होता है तो सर अकड़ा फ़ख्र से बुलंद होता है, मगर अल्लाह के नबी का सर झुका हुआ है और आज दिन के सारी के पे कह रहे हैं। सबसे आते ही साथ मक्के के अंदर दाखिल होते हैं, खाने काबा को देखते हैं, आँखों से आंसू निकलते हैं। बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया जाता है कि जाओ अज़ान दो। बिलाल हबशी, अब हर मुसलमान वो कहीं भी हो वो काबे की तरफ रुख करके अजान देता है। बिलाल हबशी को जब छत पर चढ़ाया गया, अब तो काबे की छत पर हैं, किस तरफ किस रुख पर अजान दें, सुभान अल्लाह। नबी इस्लाम तवाफ़ फरमा रहे हैं और अजान हो रही है, बिलाल हबशी ने क्या किया, जैसे कानों में ऐसे डाला और जहाँ जहाँ नबी घूमते रहे बिलाल हबशी छत पे खड़े होकर घूम घूम के अजान देते रहे। ये मोहब्बत का एक अंदाज था, क्या अंदाज होगा, क्या अंदाज होगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन तला, जो अभी मुसलमान नहीं है, उनको बुलाया। शेबी ख़ानदान जिनके पास खाने काबा की चाबी है उन्हीं की नस्ल से है। जब हुजूर मक्का से मदीना जा रहे थे तो उस्मान बिन तला को बुलाया और कहा कि खाने काबा की चाबी खोल दो ताकि मैं अपने खालिक और मालिक का घर अंदर से देख लूँ। तो उस्मान बिन तला मुसलमान नहीं होते, कहा ला तो इज्जा की कसम ये कभी घर को भी नहीं खुलेगा तुम्हारे लिए, और जाओ। इस तरह की बात की, आका ने मुस्कुराकर कहा एक दिन ऐसा होगा ये चाबियाँ मेरे हाथ में होंगी। और जब उसी दिन उस्मान बिन तला को बुलाया गया तो उस्मान बिन तला खाते हुए आका इस्लाम की बारगाह में आए, घुटनों के बल बैठ गए। सहाबा मौजूद थे, उस हज़रत अली और उमर फारूक इस तरह खड़े हुए थे। अब उन सर झुका हुआ, उन्होंने कहा उस्मान उन्ज़ुर इला वजही, उस्मान मेरे चेहरे की तरफ देखो, या उस्मान उन्ज़ुर इला वजही, मेरे चेहरे की तरफ देखो। वो खौफ ज़दा है कि ऐसा ना हो गर्दन उठे और तलवार आए। मगर आका ने कहा उस्मान मैं तुम्हें अमान देता हूँ, गर्दन उठा के देखो। जैसे उठा के देखा, फरमाया ऐन अल मिफ्ताह, चाबी कहाँ है। डरते हुए हाथों से चाबी दी, आका ने सबकी तरफ देखा, हर एक की ख्वाहिश थी ये खाने काबा की चाबी हमारे तरफ आ जाए, मगर वह रहमतुल्लिल आलमीन है। आका करीम ने उनको मुस्कुराया, दिखा उस्मान तुझसे कहा था ना ये चाबी हमारे पास आएगी, वो तेरा ज़र्फ़ था, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़र्फ़ है। वो चाबी उठा के आका ने उस्मान बिन तला को दे दी। उस्मान खड़े होते हैं, नारे तकबीर बुलंद करते हैं और हुजूर के कदमों में गिर जाते हैं। वो लोग के जो हुजूर के दुश्मन थे, वो एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है मक्के के अंदर, हर जगह से आवाज़ आ रही होती है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और पूरा मक्का मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से गुजना शुरू हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं आज तुम्हारे साथ क्या किया जाए, जो अबू सुफियान के घर गया उसको अमान है, जो अपने घर में उसको अमान है, जो हरम के अंदर है उसको अमान है, क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ। ये वो लोग थे कि जब हुजूर चलते थे तो हुजूर के रास्ते में कांटे बिछवाया करते, ये वो लोग थे कि जिन्होंने अमीर हमजा को जैसे सहाबा को शहीद किया, ये वो लोग थे कि जिन्होंने हुजूर को मक्के से हिजरत करने पे मजबूर किया, ये वो लोग थे कि जब हुजूर नमाज़ पढ़ रहे होते थे ओजड़ी डाल दिया करते थे। आज हमें कोई कुछ कुछ कहे, हम दुश्मन को देखकर तड़प जाते हैं कि मार दें काट दें। आज तो रसूलुल्लाह आज इख्तियार के साथ 10,000 तलवारें हुजूर के साथ हैं। अल्लाह, हुजूर ने पूछा क्या, फरमाया करीम बेटे हैं, करीम भाई हैं, फरमाया अन तुम तुलका जाओ, तुम सबको माफ़ फरमा दिया। ये इंसानी तारीख में एक वाकया देखा कि हुजूर ने फतह किया है और हुजूर ने दिलों को फतह कर दिया। जब एक अंग्रेज़ मुफक्किर ने कहा प्रॉफिट की जो इंतकाल हुआ उनके बाद एक नर्सरी पैदा करके गए और हर बंदा शाकार पैदा हुआ, ये मेरा अकाली सलातुसलाम फतह मक्का। हुजूर कुरान ने इसको फतह मुबीन कहा और फिर इस्लाम तेज़ी से
और वो अजम में फैला। नबी इस्लाम का इखलास देखा, नबी इस्लाम का किरदार देखा, नबी इस्लाम की गुफ्तगू को देखा, नबी इस्लाम की चाहत को देखा और कहा कि इनसे अच्छा सच्चा कोई नहीं है। काफिर आते, मैं कभी तसव्वुर में जाता हूँ और पूछता हूँ, कभी मैं बीबी फातिमा, सैयदा अबू बकर सिद्दीक, उम्र फारूक, उस्मान गनी, सैयद इमाम हसन से पूछे, तसव्वुर में बंदा कि बताओ नबी कैसे हैं। बीबी खतीजा से कोई पूछे तो बीबी खतीजा कहती है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मगर इनसे अच्छा शौर कोई नहीं। बिलाल हबशी से कोई पूछे मोहम्मद सल्लम कौन है, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है मगर इनसे बेहतरीन आका कोई नहीं। मदीने के मार्केट में जाके पूछें, आज लोग ज़खीरा अंदोजी करते हैं, मेरे हुजूर का अंदाज़ क्या है। आपको पता, जब वहाँ गए हैं हुजूर, 25 साल के नौजवान हैं, मार्केट में गए, हर कोई अपने ऐप को छुपा रहा था, रसूल सच बोल रहे थे। मैसर ने कहा कि हर एक से ज़्यादा 9 गुना ज़्यादा प्रॉफिट रसूल की ज़बान पे लोगों ने दे दिया। सुभान अल्लाह। इखलास, अखलाक, आज हमसे सब चीज़ें जाती जा रही हैं। आज हम मोहब्बत नहीं देते, हम नफ़रतें बांटते हैं, दुश्मनियाँ करते हैं, अदावत, और उसी में मर जाते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं यार बड़ा अच्छा इंसान था, लोग बड़ा, मेरा अब्बा कहते थे कि जिस मिट्टी में लोग डाल के कहते हैं अच्छा इंसान है, अगर अपनी नफ़त में मिट्टी डाल दें तो खुद अच्छे इंसान बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी, आपने आज एक ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ और मैं सब कुछ देख रही हूँ। तो अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी, जैसा दिल दे कि वो जिस तरह कैसे कैसे अपने दुश्मनों को माफ़ फरमा दिया करते थे। काश हमें उनकी ज़र्रा बराबर भी ऐसी कोई भी सिफ़त मिल जाए कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकअल्लाह खैर, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। जी, हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही प्यारे भाई। आपने इनको रमज़ान ट्रांसमिशंस में भी देखा होगा, इसके अलावा मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आपने इनको किरत करते हुए, नातख्वानी करते हुए देखा होगा। हमारे बहुत ही साथी रहे हैं 2 साल तक, कारी असदुल हक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं आपके कितने अरसे से नात खानी कर रहे हैं, किरत कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया आपको? ये तकरीबन 20-25 साल जो है वो हो गए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। कभी, अच्छा माशाल्लाह, 20-25 साल हो, बहुत लंबा अर्सा है माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि कभी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नात खानी का शर्फ हासिल हुआ आपको? मेरे नज़दीक तो वो नात खां कि जिसको हुजूर के दरबार की हाजिरी नसीब हो जाए, समझे उसका जो पूरा जो फ़न है या जो उसका पढ़ना है वो कबूल हो गया, क्योंकि हुजूर के दरबार में हाजिरी वो बुला लें जिसकी सनाखानी करते हैं, जिसकी मदद करते हैं वो बुला लें अपने पास, तो इससे बड़ा इनाम क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा जाना हुआ है वहाँ पर। एक बड़ा खूबसूरत कलाम है और इसी से रिलेटेड है कि हुजूर के दरबार की हाजिरी जो कि आजकल मुश्किल है, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक वो रौनक दोबारा बहाल कर। आमीन। जिस चाग दिल पे बुला मैं
कहीं से दूर है मंज़िले, ना कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उस नवाज दे। ये दरे हबीब के बात है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हमारा साथ रहेगा जैसे पहले हमारा साथ रहा। जी जी, तो आपका बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और आपकी आवाज़ में और ज़्यादा दर्द और ज़्यादा लगन पैदा करें। आमीन। शुक्रिया। जी हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक में हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो हमारे मुल्क के दो ऐसे नाम हैं कि जिन्हें हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत नाम कमाया और पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। वो इस तरह से क्योंकि दोनों का ताल्लुक़ ही मीडिया से है और दोनों ही माशाल्लाह अपने काम में ज़बरदस्त किस्म के फ़नकार हैं, एक्सपर्ट हैं, और अगर मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छे सिर्फ़ अपने काम के माहिर ही नहीं हैं बल्कि ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि ये दोनों मेरे बहुत ही करीबी और बहुत ही पक्के दोस्त हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारी एक्ट्रेस की बेटी यानी कि फिल्म स्टार की बेटी रोज़ीना, हमारी एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार गुजरी हैं, उनकी बेटी जो जिन्होंने अपना नाम खुद अपने बलबूते पे बनाया, साइमा कुरैशी। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत बड़े डिज़ाइनर जिनके डिज़ाइंस और जिनके शोज़ आप देखते रहते हैं कभी सोशल मीडिया पर कभी टीवी पर, और ऐसे ऐसे कपड़े बनाते हैं, ऐसे खूबसूरत लिबास बनाते हैं कि आम इंसान को भी खूबसूरत बना देते हैं, मौज़म हुसैन अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मौज़म आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं जवेरिया? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने रमज़ान में जो है मुझे टाइम दिया। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक। आपको भी। अच्छा, ये रमज़ान इस तरह से आए हैं आप क्वारंटीन में, ज़ाहिर है सबके अपने अपने जो है वो होते हैं, आप तो स्कूल भी पढ़ाते हैं, टीचर भी हैं, तो आपकी तो बिल्कुल ही टाइम टेबल एकदम डिफरेंट हो गया होगा। और रमज़ान में जैसा कि वैसे ही लोगों का टाइम टेबल आगे पीछे हो जाता है, खाने पीने का वक्त भी चेंज हो जाता है और वैसे सोने जागने का भी चेंज हो जाता है, लेकिन क्या ऐसा आप लोगों को लगा कि ये क्वारंटीन में जो हम लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हुई हैं, बदली हैं, उस तब्दीली ने हम पर कोई अच्छा असर डाला है? बुराई के साथ साथ इनके बुरा तो हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों की जॉब्स नहीं है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत बीमार हैं, कुछ दुनिया से भी चले गए, लेकिन इसके साथ साथ कोई ऐसा लगता है कि कोई एक फ़ायदा भी हुआ है हम लोगों को कि हमने फैमिली को टाइम? मेरा ख्याल है बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें ना हमने फॉर ग्रांटेड ली थी, अब एहसास होता है कि जो है आज़ादी कितनी वैल्यूबल है, और नंबर दो जो है फैमिली के साथ बॉन्डिंग और टाइम देने का मौका मिला है आपको, आप बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड अब ज़्यादा बेहतर तरीके से, वो चीज़ें जो आपने नज़रअंदाज की थी अब आप रियलाइज़ करते हैं कि उनको वो नज़रअंदाज आप ना करें, हर चीज़ को वैल्यू है, हर चीज़ की एक इम्पॉर्टेंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक एहसास हुआ कि बचत करना बहुत ज़रूरी है, बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। बिल्कुल ठीक बात की, बिल्कुल ठीक बात की। साइमा तुम बताओ, तुम्हारे तो शूट्स का इतना ज़्यादा बिजी रहती होगी और फिर अचानक सब कुछ ख़त्म हुआ अभी, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना कुछ भी हुआ उससे मुझे तो कम से कम ये अंदाज़ा हुआ है कि हमारे खर्चे जो बिला वजह के हमने बनाए हुए थे कि जी चलें कुछ नहीं है तो रेस्टोरेंट चले जाएँ, चलो बोर हो रहे हैं तो शॉपिंग कर लें, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब इन चीज़ों के अलावा भी ज़िंदगी, हम मेरे ख्याल से हम खुद ही मुश्किल करते हैं अपनी ज़िंदगी को। अब हम ना शॉपिंग पे जा रहे हैं ना किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ज़िंदगी बल्कि बहुत पुरसकून हो गई है, और हमें ये भी पता लग गया है कि घर का खाना
कितना मुफीद है। और मेरे ख्याल से अब तो वो मेरा वो जो टेस्ट था वो ख़त्म ही हो गया बाहर के खानों का। तो ये भी एक अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में निकल कर आई हैं। और अपने आप को टाइम देने का टाइम और मिला है। महंगे कपड़े, परफ्यूम, इन सब चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो, मैटर नहीं करती मेरे ख्याल से। और अब चीज़ें अगर हमारे पास जो कपड़े हैं वो हम पहन के जाएँगे कहाँ, अब हमें पता लग गया है कि चीज़ों की तो वाकई वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम लोग की दोस्ती माशाल्लाह मौज़म बहुत, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। और साइमा की तो मेरी और भी पुरानी है। तुम्हारे जितने भी तुम ड्रेस डिज़ाइन करते हो, हमने जितने भी शोज़ देखे हैं, मैगजीन्स में शूट्स देखे हैं, जो भी देखा है, वाइट कलर होता है, इसकी क्या वजह है? वाइट कलर का क्या ये कोई राज है, ये क्या चक्कर है? ये तो मैं नहीं बताऊँगा। मैं नहीं बताऊँगा। उसके पीछे देखें, हर कोई बना रहा होता है, हर कलर इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे तुम्हारी अदाकारी का एक कहते हैं ना सिग्नेचर है। हाँ। एक सर्टन रोल जो है वो सिर्फ जवेरिया ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। फसी बारी एक सर्टन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है। सिमिलरली एक सिग्नेचर होती है, सफ़ेद कलर मुझे बहुत दिल को अपील करता है। और जो चीज़ मैं सफ़ेद के साथ खेल सकता हूँ और मज़ा आता है, क्रिएटिविटी का लेवल जब उसमें सफ़ेद को देखता हूँ तो जो है वो हाई हो जाता है, वो किसी और रंग में नहीं आता। एंड फिर उसके बाद अच्छी बात यह है कि पिछले मेरा ख्याल है 10-15 साल से सिर्फ सफ़ेद पे ही काम किया, तो अब जहाँ कहीं भी शोबिस के अंदर सफ़ेद की बात आती है तो ऑटोमेटिकली कहते हैं अरे मौज़म को कॉल कर लो, उसके पास सफ़ेद, मौज़म के पास वाइट ड्रेस, किसी के शौहर मर गए तो मौज़म को कॉल कर। हाँ ये तो है वैसे। अच्छा, मसरूफियात क्या हैं आजकल? आजकल तो घर में सब हैं लेकिन घर में भी बड़े काम होते हैं, बड़ी मसरूफियात, बहुत काम, स्पेशली रमज़ान में तो बहुत काम होता है, सहरी, इफ्तारी, फिर खैर से झाड़ू पोछा भी अब मेरे ज़िम्मे है, खाना भी, बर्तन भी, कपड़े भी, तो काम ही काम है, है ना? हाँ। लेकिन अच्छा, क्या ऐसा लगता है तुम्हें कि जैसे हम ख़वातीन हैं, बाहर भी काम करती हैं, घर में भी करती हैं, तुम्हें क्या लगता है कि एक्चुअली औरत किस लिए बनी है? घर के कामों के लिए या बाहर के कामों के लिए या दोनों कामों के लिए? नहीं, औरत तो मैं कहती हूँ सुपर वूमन है, वो बाहर का काम भी कर सकती है और घर का भी काम करती है। क्योंकि औरत के लिए ये है कि अगर हम बाहर का काम करके घर आते हैं तो हमारी ऑफ नहीं होती मर्दों की तरह कि जी ऑफिस से छुट्टी लेके आए तो चलो जी अब रिलैक्स, अब घर का कोई काम नहीं करना, हमें घर का भी काम करना है। तो मेरे ख्याल से औरत सब कुछ कर सकती है। और आजकल आप खुद देखो कि ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ हमारी औरतों ने अपना नाम नहीं बनाया हुआ। तो बाइक्स भी चला रही है, सना को देखो, हैवी बाइक, मैंने कहा कमाल काम है, है ना, बेहतरीन काम है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा साहिबा, पिछले दिन तुम्हारा एक ड्रामा और तुम्हारी एक्टिंग बड़ी हिट हो गई थी, तुम्हारा वो एक क्लिप बहुत चला हर जगह, बहुत चला। एक्ट्रेस तो तुम कमाल की हो, ये तो तय है, लेकिन कैसा लगता है कि जब इतने बड़े ड्रामे में जिसमें हीरो हीरोइन कोई और हो, किसी और पे स्टोरी चल रही हो और एक कैरेक्टर निकल के बीच में से आ जाए और उसके क्लिप चल रहे हो जगह जगह, अल्लाह की मेहरबानी। बस यार मेहरबानी है लोगों की कि लोगों ने इतना पसंद किया मेरे कैरेक्टर को, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो इतना निकल कर आएगा। और साइमा इज अ वंडरफुल एक्टर, आई थिंक इनका एक ड्रामा था मेरीन जब्बार के साथ किया था, आई डोंट रिमेंबर दैट, जिसमें तुम भी थी, ड्रामे का उसमें मैं नॉमिनेट हुई थी अवार्ड के लिए, बहुत शानदार थिएटर, क्या था यार उस ड्रामे का नाम जिसमें, उसमें तो आपने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया, हर जाए, अगर मास्टर मेरा बच गया और कौन बच रहे, बचा रहे बल्कि, क्योंकि सब चीज ही बंद है, तो लेट्स होप कि हर चीज खुल जाए। कलेक्शन तुमने नहीं बनाई? नहीं, कलेक्शन बिल्कुल प्रोडक्शन में थी और सब रुक गया है काम। एंड आई डोंट बिलीव कि आप अनसेफ तरीके से जो है अपनी स्टार्ट कर दें जबकि अभी तक हम लोगों को कोई क्लियर नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग जी, आप लोगों ने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। और तुम्हारे घर का डिनर पक्का है, पक्का सबके सामने कह रही हूँ ये, अब सब गवाह हो गए। नहीं, वो क्वारंटीन की वजह से बच्चों को भी कहीं लेके नहीं जा सकते, फिर सऊद भी नहीं है यहाँ पर, तो मैं अकेली सारी चीजें कर रही हूँ, तो हो गया ना कि डिनर मेरे साथ पक्का। हाँ इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्लाह मियाँ, तुम दोनों को बहुत खुश रखे, सेहत के साथ रखे, सलामती के साथ रखे, बच्चों की खुशियाँ दिखाए और सेहत और कामयाबी अता करें, आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आप लोगों ने बातें सुनी, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। आप चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक।
نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے باسز سے اپنے مالکان سے اور اپنے جو بڑوں سے تھوڑے سے خائف سے رہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جب وہ باس کے سامنے جاتے ہیں تو باس ان سے ناراض ہو جاتے ہیں باس ان کو ڈانٹ دیتے ہیں پہلے یہ کہ آپ کو اپنے رویے پہ اپنے کام پہ بھی توجہ دینی ہے کہ ایسی کیا غلطی ہے کہ آپ سے وہ خائف ہوتے ہیں تو اسی کہ لوگوں کے دل کو نرم کرنے کے لیے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنا ہے پہلے آپ کو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کرنی ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ کو جو ہے باوضو رہنا ہے اور تیسرا یا اللہ یا ودودو یا رقیب یا اللہ یا ودودو یا رقیب کثرت کرتی رہیں آپ کثرت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو جس کا دل آپ کے لیے سخت ہے وہ آہستہ آہستہ نرم ہونا شروع ہو جائے گا ابھی رمضان مبارک چل رہے ہیں تو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت تہجد کا بڑا بہترین ہے اور جس وقت ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے افطار کے بعد یا سحر کے وقت اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں اور دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجیں اور دعا کریں مجھے امید ہے کہ جو آپ کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے جی ناظرین آج کا پروگرام بھی یقیناً آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور میری دعا ہے سب سے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرمائے اور ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر مبارکباد جو کہ آج اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں اور اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں آمین ثم آمین انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک blessings and peace upon our prophet Muhammad and upon his family and upon his companions Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Ramzan Mubarak aa gaya Rab ki ata Rab ka karam roshan hua dar noor ka chhat jayenge duniya ke